रबानी कोयटा में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो आइन की बुनियाद है कि जिसमें हर अदारे को अपने आइनी हकू अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना है वो डगमगा गया और इसमें सबसे ज्यादा और आज से नहीं आप तारीखी तौर पे उठा के देख लें इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर तरीन रहा है वो पार्लियामेंट का इदारा रहा और ये हैरत की बात आप तमाम वकला आप आइन के एक एक लफ्ज से वाकिफ आइन के प्रीएम्बल में ये कहा गया है that the government would be run through the chosen representatives of the people aur logon ke numainde kahan pe hote hain wo parliament aur subai assemblyon mein hote hain lekin kabhi parliament ko martial law ki zad se khatam kar diya jata फिर एक आमिर आया और उस फौजी आमिर ने 58(2)(b) दे दिया जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने उसके खिलाफ जिद्दोजहद की और 58(2)(b) को खत्म किया गया तो फिर एक नया तरीकेकार आपके और हमारे सामने आ गया। मैं यहां पे ये बात नहीं इसलिए कर रहा कि मैं चाहता हूं कि कोई महाजाराई अदारों के दरमियान हो लेकिन मैं ये बात जरूर समझता हूं कि जो आइन के अंदर दिए हुए पैरामीटर्स हैं जो आइन के अंदर दिए हुए हदूद हैं उन हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव को काम करना है पाकिस्तान की जुडिशरी को काम करना है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को काम करना आज लाइक आई सेड द वीकेस्ट लिंक इज पार्लियामेंट जो चाहता है उस पर चढ़ाई कर लेता लेकिन मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि जिस डगर पे और जिस नहज पे आज पाकिस्तान और वफा के पाकिस्तान खड़ा है उसमें महाजाराई अदारों की नहीं हो सकती लिहाजा आज शुहदा के इस अजीम और शान सेमिनार से मैं पार्लियामेंट की तरफ से इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का दावतनामा उन तमाम स्टेक होल्डर्स को देता कि आइए चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशरी हो
चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, कि इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की अशद जरूरत है।